To the daily current affairs session of plant academy. So today is 14th August और 14th August related जितने भी important MCQs है वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे. तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. सो आज का पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन मॉन्ट्रियल मास्टर्स टाइटल. मॉन्ट्रियल मास्टर्स टाइटल टेनिस में होता है तो वो किसने जीता है? राफेल नडाल, डैनियल मेडवेडेव, रोजर फेडरर एंड एंडी मुरे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ राफेल नडाल ने रिसेंटली मॉन्ट्रियल मास्टर्स टाइटल जीता है जो कि कनाडा में हो रहा था. ओके तो ये है राफेल नडाल एंड राफेल नडाल गॉट मोर मॉन्ट्रियल मास्टर्स टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर. और ये मॉन्ट्रियल मास्टर्स टाइटल ये 35th मॉन्ट्रियल मास्टर्स टाइटल था. रिसर्चर्स फ्रॉम द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जर्मनी हैव फाउंडेड द सुपर मैसिव होल नेम. रिसेंटली मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जर्मनी जो कि जर्मनी में है वहाँ के रिसर्चर ने एक मैसिव होल फाउंड किया है. तो उस होल का नाम क्या है? होल 16A, होल एम 17B, होल एम बर्ग 15A एंड होल एम बर्ग 209. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ होलेनबर्ग 15A नाम है उस होल का नाम. ओके और इस मैसिव होलेनबर्ग से रिसर्चर्स फिगर आउट करेंगे कि ये ब्लैक होल बनता कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. विच कंट्री इज रिमूव्ड बाय साउथ कोरिया फ्रॉम प्रेफर्ड ट्रेड लिस्ट. साउथ कोरिया ने किसे अपने प्रेफर्ड ट्रेड लिस्ट से रिमूव कर दिया है? नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान और ईरान. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ जापान. साउथ कोरिया ने जापान को अपने प्रेफर्ड ट्रेड लिस्ट से रिमूव कर दिए है. साउथ कोरियन ट्रेड मिनिस्टर्स प्रेजेंट टाइम पे संग यन मो एंड ही रिमूव जापान फ्रॉम द कंट्रीज 29 कंट्री वाइट लिस्ट. जापान ने कुछ सेंसिटिव एक्सपोर्ट मटेरियल्स पे इंटरनेशनल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया था इसीलिए उसे प्रेफर्ड ट्रेड लिस्ट से साउथ कोरिया ने रिमूव कर दिया है. साउथ कोरिया ये वाइट रीजन जो पूरा मैप में शो रहा है ये साउथ कोरिया है और उसका कैपिटल है सियोल. ओके ये यहाँ पे है सियोल. ये पूरा एरिया नॉर्थ कोरिया है. करेंसी क्या है साउथ कोरिया का? तो साउथ कोरियन वॉन. प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन और कैपिटल है सियोल. विच टू कंपनीज पार्टनर टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए किस दो कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? भारतीय एयरटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट, जियो एंड माइक्रोसॉफ्ट, वोडाफोन एंड व्हाट्सएप एंड जियो एंड ट्विटर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेट इज़ जियो एंड माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली पार्टनर किया है ताकि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और ज़्यादा इंकरेज कर सके इंडिया में. ओके तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम ये क्या है? तो एक इंडियन मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और ये फाउंड हुआ है जियो 15 February 2007 में. माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है रेडमॉन्ड वॉशिंगटन में. ये फाउंड हुआ है 4 April 1975 में और फाउंडर्स हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्लान्स टू इंक्लूड विच डिजीज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ स्कीम. तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किस डिजीज़ को PMJ स्कीम के अंडर इंक्लूड करने का प्लान बनाया? ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कैंसर और ट्यूमर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैंसर को PMJ स्कीम में ऐड किया जाएगा. ओके तो बहुत सारे कैंसर्स में जो थेरेपी होते हैं कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन ये सारे टाइप्स को उसमें ऐड किया जाएगा क्योंकि कैंसर से हर साल बहुत से मतलब नियरली 2.25 मिलियन पीपल जो है वो कैंसर से अफेक्टेड है इंडिया में एंड कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन इंडिया. हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज पैट्रियोटिक सॉन्ग वतन. किसने वतन नाम का पैट्रियोटिक सॉन्ग रिलीज़ किया है रिसेंटली? जुअल ओरम, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावेदकर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रकाश जावेदकर. प्रकाश जावेदकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ था और ये स्पेशल सॉन्ग प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय दूरदर्शन एंड दिस सॉन्ग पेज ट्रिब्यूट टू न्यू दिल्ली एंड द ऑन 15th August. विच IIT इंस्टीट्यूट डेवलप लो कॉस्ट ब्लड टेस्ट डिवाइस. किस IIT इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है लो कॉस्ट ब्लड टेस्ट डिवाइस? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की एंड IIT मुंबई. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ IIT खड़गपुर ने
रिसेंटली एक लो कॉस्ट ब्लड टेस्ट डिवाइस लॉन्च किया है, ओके, विच कैन परफॉर्म वेरियस पैथोलॉजिकल टेस्ट बाय यूजिंग ब्लड टेकन फ्रॉम अ फिंगर प्रिक. हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द रोजर्स कप 2019? रोजर्स कप जो कि टेनिस में होता है, 2019 का खिताब किसने जीता है? बियांका एंड्रेस्क्यू, सेरेना विलियम्स, मारिया सारापोवा और एस्ले बारवी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बियांका एंड्रेस्क्यू ने रिसेंटली रॉजर्स कप 2019 का खिताब अपने नाम किया है. एंड शी वॉज द फर्स्ट कनेडियन टू विन द इवेंट इन 50 ईयर्स. द इवेंट हेल्ड इन टोरंटो, कनाडा. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर कौन है, किसे नियुक्त किया गया है? मनजीत सिंह पुरी, अशोक दास, मनप्रीत बोहरा और गोतू राम मीना. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गोतू राम मीना को रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है. और प्रेजेंटली मीना इज सर्विंग एज अ काउंसलर एम्बेसी ऑफ इंडिया इन केज, यूक्रेन. कैपिटल ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है ब्राजाविले. अमरिंदर सरन पासिस अवे, ही वॉज अ फॉर्मर. रिसेंटली अमरिंदर सरन का देहांत हुआ है, तो वो क्या थे? सोशलिस्ट थे, जर्नलिस्ट, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या सोशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट दोनों ही थे, दैट इज ए एंड बी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे वो. ठीक है, तो ये है अमरिंदर सिन्हा, ही वॉज अ सीनियर एडवोकेट, ये एक एडवोकेट भी है थे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी ASG ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, फ्रॉम 2004 to 2009. He was also appointed as the amicus curiae by the apex court, which was hearing a petition seeking fresh investigation in the assassination of Mahatma Gandhi. Dayanidhi Nayak passes away. He was a Dayanidhi Nayak, जिनका recently देहांत हुआ है, तो वो क्या थे? एक freedom fighter थे, writer थे, journalist थे और socialist थे. So right answer is option A, वो एक freedom fighter थे. तो ये है दयानिधि नायक, एंड ही हैज़ स्ट्रगल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें. और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें. एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस इन एडवांस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.